राष्ट्र के लिए मान सम्मान रहे, हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। देश के लिए एक दो तारीख नहीं, भारत माँ के लिए हर सांस रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी राष्ट्रीय प्रेमी देशभक्तों को सूरजपुर की विकास खंड भैया धान की ग्राम पंचायत चुनगड़ी के उप सरपंच रवि विश्वकर्मा की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। आप सभी देशवासियों को ग्राम पंचायत उमरोली की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता श्रीमती नारायणी बाई सरपंच ग्राम पंचायत उमरोली, चंद्रिका राजवाड़े सचिव ग्राम पंचायत उमरोली। कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र में एक जीवित व्यक्ति को मृतक बनाकर जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। इस मामले की जानकारी पीड़ित फरियादी को तब मिली जब उसने तहसील कार्यालय में अपने जमीन बंटवारे को लेकर आवेदन दिया। दरअसल बुढ़ार ग्राम पंचायत के रहने वाले कालीचरण की जमीन उसके सगे संबंधियों ने ग्राम सचिव से मिलकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया और तहसील कार्यालय में जमा कर उसकी पूरी जमीन अपने नाम करवा ली। जब फरियादी ने अपनी जमीन के बंटवारे के लिए आवेदन दिया तो पक्षकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करते हुए आपत्ति दर्ज करा दी। अब फरियादी ने न्याय के लिए शासकीय दफ्तरों में गुहार लगाई है, लेकिन इसके बावजूद भी उचित कार्यवाही नहीं हो सकी है। आदेश करें, अब बंटवारा हमारा नहीं होते, अब उनको पंचायत भवन में जाकर लिखवा के कि मर गया है, पेश कर दिए हमारा चाचा नहीं है, मर गया, अब हम जिंदा है। जीते जी मतलब मृत्यु को प्रमाण पत्र। हाँ हाँ, मैं मर नहीं जाऊंगा, वो लड़का बात पत्थर है, मर गया वो, मैं वही लिखवा दिया है, तो हम पेश कर दिए हमारा चाचा नहीं है, अब चाचा जी रहा है। वो आपके क्या लगते हैं जो जिंदा है? ओहर हमारे घोसू बेटा है। आप जो जिंदा है वो क्या लगते हैं आपके? ये हमारा ये सब है, मरद है। अच्छा, क्या नाम है? अरे दीपक है, कालीचरण। 6 महीना पहले मेरे छोटे बाबा लगाए थे, मतलब बंटवारा के लिए आवेदन तहसीलदार कार्यालय पटना में, और उनका पेशी चल रहा था, और अभी बीच में उसी में दस्तावेज में एक प्रकरण आ गया मृत्यु प्रमाण पत्र का, इनका कोई जिंदे आदमी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के और वहाँ जमा कर दिया गया। और जब इसकी जानकारी हम लोग को मिली तो हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराए पटना थाना में, और सर वहाँ आने के बाद फिर कलेक्टर में दिए हैं और SDM कार्यालय में दे रहे हैं, सभी जगह जानकारी देंगे। और इनका नाम दीप्ता है, घरेलू नाम, और बाकी इधर कालीचरण है सर। ये लोग दो भाई थे, एक का कालीचरण नाम है स्वर्गीय, अरे स्वर्गीय काली रामचरण है, और एक बिपता उर्फ कालीचरण है सर। इनका दोनों भाई थे और इनका बंटवारा के लिए मतलब आवेदन दिए हैं तहसील पटना में, और इनकी बंटवारा के लिए जब आवेदन दिया गया तो इनको मृत घोषित कर दिया गया है, और ये मृत नहीं है, ये जीवित हैं और अभी अपने ही घर में रहते हैं दोनों पति पत्नी के साथ। और इनका नाम दो ठो है, घरेलू नाम बिपता है और बाकी में कालीचरण है। जानकारी कहाँ से मिला आपको इनके मृतक? मृतक की जानकारी सर वहीं से, मतलब अधिवक्ता द्वारा जानकारी मिला तहसील से, उसी में आवेदन में लगा हुआ है जिसमें आपत्ति जताया गया है कि ये मर चुका है। एक दिया उनके भी नाम का रख लो पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गई है भारत माँ की रखवाली में।
ऐसे देश प्रेमियों को सलाम करते हुए आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाईकर्ता टीएस सिंह देव, स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री छत्तीसगढ़। आदित्येश्वर शरण सिंह देव, महासचिव रेड क्रॉस सोसाइटी सरगुजा। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। इसे देश प्रेम को सलाम करते हुए आप तमाम देशवासियों को जनपद पंचायत अंबिकापुर की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई करता मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंबिकापुर।